गाइस और खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। और एक नए व्लॉग के साथ शेख चैनल की जानिब से हाजिर हूँ। और आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और अल्लाह ताला आपको ऐसी ही खैरियत से ठीक ठाक रखे, आपकी तमाम परेशानी अल्लाह ताला ख़त्म करे, आपको खुश खुर्रम रखे। और एक नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। और देखें, सुबह का टाइम है, 8 बजे का टाइम है, और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप निकल रही है, बड़ा माहौल अच्छा बना हुआ है और बहुत पुरसकून माहौल है, क्योंकि अब सर्दी की आमद है। और देखें आप, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, क्योंकि अब मौसम चेंज होगा धीरे धीरे और गर्मी का ज़ोर टूटेगा, और इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ चंद दिनों में फुल सर्दी का मौसम हो जाएगा। देखें, आपको महसूस हो रहा होगा, देखें झंडे पीछे मेरे सामने, देखें पीछे ये झंडे भी एक पे, इधर देखिएगा, ये देखिएगा हवा का प्रेशर, देखें आप कितना हवा का प्रेशर है। और बड़ा अल्लाह ताला ऐसे ही मौसम रखे। तो गाइस, अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, सुबह 8 बजे का टाइम है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, तो बच्चों को स्कूल लेके जाना है, फिर बच्चों को फिर रूटीन के हिसाब से वही बच्चों को 1 बजे स्कूल से लेकर आना है। फिर आपसे इस तरह मुलाकात होती रहेगी, और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ, चलता रहेगा मामला जैसा भी है। आसिफ तैयार है बेटा स्कूल जाने के लिए? थोड़ा सलाम तो करें बेटा। और देखें, अभी रात में देर में सोए थे, तो इनकी आंखें भी थोड़ी सी ऐसे ही हो रही हैं। अब सुबह का टाइम है, इनको ऊपर तो देखो बेटा। अब ये है कि इनको स्कूल ले जा रहा हूँ मैं, ये है छोटी बहन, उसकी बहन है बड़ी, उसको ले जाके स्कूल, छोटा बेटा है मेरा, इसी में स्कूल जाते हैं पढ़ने। तो अब ये कि हम स्कूल जा रहे हैं, चलो बेटा। 1 बज गया, छुट्टी हो गई है, हम स्कूल से लेकर आ गए हैं बच्चों को। हाँ बेटा, थक गए हो गया स्कूल से यार? काम वाम करा नहीं करा? हाँ यार, लाइट चली गई यार, लाइट एक तो चली जाती है ना। चलें ठीक है। हाँ तो गाइस, आज अभी सामान लेने में ज़रा जा रहा हूँ, सामान यूटिलिटी का सामान था कुछ, और चिकन वगैरह भी लेना है, क्योंकि आज बच्चों ने फरमाइश करी है कि भाई पहुँचना चाहिए, तो आज बच्चों की फरमाइश सर आँखों के ऊपर, तो ये है कि अब सामान मुझे ही लाना है, ज़ाहिर सी बात है। अब वहाँ जाऊँगा मैं, यूटिलिटी का सामान लेना है और चिकन वगैरह ले कर फिर आता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। जा रहे हैं नीचे, देखें नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, हाँ नीचे जा रहा हूँ, बिना उतर रहा हूँ। गाड़ियाँ खड़ी, ये मेरी गाड़ी है, ये मैं गाड़ी खड़ी, मेरी गाड़ी खड़ी, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी खड़ी, ये गाड़ी मेरी खड़ी है, सामान वाले लेके चलाते हैं, फिर आपसे देख शेयर भी करना है सामान क्या क्या चीज़ें लाना। हमारे मिश्राज भाई हैं, इधर से हम मिश्राज भाई था, हेलो कर दीजिएगा। कौन है? ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, हाई हेलो कर दीजिएगा बस। नहीं बोल, ये काम करते हैं, कारीगर हैं, इनके भाई भी हैं छोटे, ये हमारे, क्या नाम है? सनाउल्ला। सनाउल्ला बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा मेहनती बंदा है, ये बेचारे अपने रोजी रोटी चला रहे हैं, यहाँ से काम करते हैं, जो भी है मामला जिनके, अभी सामान ले कर मैं फिर जाऊँगा, चिकन लेना है मुझे, इसके बाद आगे उसका प्रोग्राम। हमारे सनाउल्ला भाई है, उसकी क्वालिटी उसका, सनाउल्ला सामान निकाल दे रहे हैं बहुत ज़्यादा फर्क है वो एक्चुअल, क्या बात है, माशाल्लाह टेबल बनाई है, डबल का अच्छे लग रहे हैं, उनको तो प्राइस नहीं, चलो आप चक्कर लगा लेना, फिर आप चक्कर लगा लेना। अब ये टोटल लगा रहे हैं, बारे में आ रहा ही नहीं आ रहा, वो तो अभी हमने उठाया 600 रुपये इकट्ठा उठाया किलो वाला, किलो वाला नहीं, माल माशाल्लाह जबर डाला हुआ था, वो तो मैं जब लाया तो अलग है, हाथ क्या तो मुंह के मुंह में रह गया, मगर टेस्ट था, ये बात तो है, नहीं माशाल्लाह जबर डाली। तो आप भी ऐसे ही बनाते हो? हाँ हाँ, वो सामान निकल रहा पीछे से, बड़ी भारी भरकम आदमी, चला नहीं जा रहा, चला गया, चल
कढ़ाइया देंगे ना, अभी सामान वामान निकलना है। ये भाई वो देना, क्या दे रहे हो? अच्छा वो दो, टपाल भी हो गया और क्या था यार, घी मैदान घी देना हाँ 1 किलो। ये तो दो पहले कट्टे से आसानी से काम हो जाता है यार, कचरा वचरा फेंकने वाले सलाम, कचरा वचरा फेंकने में आसानी रहती है भाई बड़ा थोड़ा। हाँ ये लिए सही है। ओ माय गॉड जबरदस्त यार, यार ये तो हीरो बंदा है यार, ये कितना देखो इसको, क्या नाम किया जरा यार, बकार भाई को देखो कितना ख्याल है मेरा, माशाल्लाह यार बहुत अच्छा बंदा है ये, और अल्लाह ताला इसको सेहत दे, और जाते वक्त में इसके बाल वाल भी आए हैं तो और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे खूबसूरती के अंदर। इसने जो कट्टा दिया ना थोड़ा बहुत ये दुकान में रह जाएगा, वो तो रह जाएगा, बाकी साथ ले आऊँगा। देख लो तो इससे बेहतर है, इसका माहौल देखें, गाड़ियाँ जा रही है, मेन रोड है, बहुत अच्छा माहौल है, सामने चिकन वाला है, चिकन से मिलूंगा, चिकन चिकन वाला सुन गाड़ियों की दोस्तों, अभी गाड़ी पर बैठा हूँ मैं और गाड़ी के साथ सामान लेकर आ गया हूँ, गाड़ी से उतर रहा हूँ, अब ये कि घर की तरफ जा रहा हूँ, मैंने सामान ख़रीद लिया है, आपसे शेयर भी करा मैंने सामान की, परचून की दुकान पर मैं गया था। देखो ये चिकन रखा हुआ है और फरमाइश पर, तो ये मैं ले आया था बाजार से, अभी मैं मसाला वसाला लगा हुआ है, ये कि इंशाल्लाह ताला बनाते हैं फिर देखें टेस्ट कैसा आता है, उम्मीद तो यही है कि अच्छा ही आएगा, बेगम बहुत अच्छा बनाती है मेरी, मगर ये कि अब देखें बनने के बाद जब खाएंगे फिर आपको बताएंगे कि कैसा बना। देखें बहुत अच्छा इसमें चीरे वगैरह लगे हैं ताकि मसाला अंदर जाते जाए, बड़ी फिनिशिंग से इसमें मसाला लगाया है, बहुत अच्छी सेटिंग करी है, बाकी अब बनने के बाद जब पता चलेगा किसका टेस्ट कैसा है तो फिर इंशाल्लाह जब बन जाएगा तैयार हो जाएगा फिर इसके बारे में बताएंगे आपको टेस्ट के बारे में। ये बेहतरीन तरीके की सब्जी तैयार हो गई, मैं इतनी देर से यही कर रहा था, ब्रोस ये सब्जी बनाई हमारी बहनों ने, बहुत ज़बरदस्त सब्जी, देखो ये देखें सिंगल से देखें ज़बरदस्त मसाले वसाले लगे हुए हैं, खीरा इसके साथ है, बहुत घास इतनी उड़ रही थी अभी तो ये सब्जी बनाइए, बहुत ज़बरदस्त भी है, अभी हम इसको नोश फरमाएंगे। बहुत शानदार बनाई है हसीब, कैसा बना बेटा? बहुत डिलीशियस। हाँ फारूक भाई, फारूक भाई दिखाया, फारूक भाई को दो, फारूक भाई को दो, फारूक भाई ये फारूक भाई खाएंगे ज़बरदस्त तरीके, ओ माई बहुत अच्छा, ये देखो ये फारूक भाई ने खाया, बहुत कैसा बना फारूक, अच्छा बना है, हाँ नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, ये देखें ना दे और ये देखें सब, ये देखो फारूक भाई को अच्छा लगा, हसीब खा रहा है और हसीब खा रहा है अभी, ये माशाल्लाह सब्जी बनाई हमारी बेगम ने, बहुत बेहतरीन सब्जी बनाई, बनाई बेहतरीन भाई, ये सब्जी बनी थी रेस्टोरेंट में भी क्या बनेगी, जो यहाँ पर बनेगी होटल में भी क्या बनेगी, बेगम ने वाली बनेगी, और इसमें टेस्ट है और बिल्कुल बनी हुई है, कोई अभी कच्चापन नहीं है, बेहतरीन सब्जी है, और अभी हम अगर आप होते तो मैं आपको सब्जी खिलाता चखाना, और ये कभी कभी बाद में इंजॉय करेंगे इसको, तो अभी खाने के बाद मिलते हैं सब्जी इंजॉय करेंगे। अब हम ब्लॉग एंड की तरफ जा रहे हैं और हमने खाना खा लिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी सब्जी बनाई, और मैं अभी आपको उसका हाल दिखाता हूँ कि सब्जी जब बनी थी तो वो जब दस्तखान पे रखी तो वो कैसी थी, और अब जब हमारे पेट में चली गई तो अब उसका क्या हाल हुआ मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो हो सकता है कि आपकी ये देखिएगा गाइस, ये सब्जी की हालत देखें आप, जब रखी थी तो क्या हालत थी, कैसी थी सब्जी सजी हुई, और अब देखें खाने के बाद अब ये इतनी सी बची है, बाकी सब हम खा गए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, तो अब
और कमेंट्स करें, अल्लाह हाफिज़। ठीक गाइस, उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग आज का पसंद आया होगा और आपने देखा सज्जी की क्या हालत करी हमने। तो ये है कि अगर आपको अच्छा लगे व्लॉग तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।